अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 10.2 की क्लास नंबर 2, व्हिच इज क्वाइट सिमिलर विद क्लास नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं 10.2 की क्लास नंबर 2, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दो ही पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स को क्या करना है, प्रूफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही किया था कि प्रूफ किए थे, वही करेंगे कि पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे, सिंपली लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट अवर राइट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं, और अगर थोड़ी सी नॉइज प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है वो विंडो साइड पे है, तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अवर लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। एंड आई होप आपको जल्दी से समझ आ रहा है। ओके, सो एज वी नो दैट साइन 45 भी 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है और कोस 45 भी 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है। तो जस्ट आपने उनकी वैल्यूज को अप्लाई कर देना। सो साइन 45 की जगह 1 ओवर अंडर रूट 2 कोस अल्फा एज इट इज प्लस cos 45 डिग्री की जगह 1 ओवर अंडर रूट 2 एंड sin अल्फा एज इट इज। अब हमने क्या देखा, इन दोनों में क्या कॉमन है, आई मीन टू से ये भी एक वैल्यू है और ये भी पूरी की पूरी एक वैल्यू है, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक एक वैल्यू है। ओके, अब इन दो ब्रैकेट्स में देखिए कॉमन क्या है। तो कॉमन है 1 ओवर अंडर रूट 2, सो वी आर गोइंग टू टेक 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, ये 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 से कट जाएगा, बचा cos अल्फा प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 से कट आउट हो जाएगा और बचेगा sin अल्फा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर एक्चुअली। बट ये देखिए सर, यही है, लेकिन sin अल्फा पहले लिखा और cos अल्फा बाद में। तो अगर किसी को फिर भी लगे कि नहीं हमने सीधा ही करके लिखना, तो एक स्टेप और कर लीजिए, 1 ओवर अंडर रूट 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा। आगे पीछे लिखने से फर्क कोई नहीं पड़ता, क्यों, अगर कहीं लिखा हो 4+2 या 2+4, फाइनली यू विल गेट 6, तो वो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, एंड आई होप आपको समझ आ गई हो। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कोस आ गया, इजी हो गया, क्योंकि कोस के फॉर्मूले में आसानी क्या है, पहले दोनों कोस के साथ और फिर दोनों साइन के साथ। शुरू से बताता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल है। टेक किया लेफ्ट हैंड साइड को और देखा कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो जस्ट अप्लाई कर दीजिए, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि साइन 45 हो या कोस 45 हो, हम जानते हैं कि वो 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। सो कोस अल्फा एज इट इज कोस 45 1 ओवर अंडर रूट 2, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2। अब देखा जाए तो ये भी एक पोर्शन एक वैल्यू बन गया और ये भी एक पोर्शन एक वैल्यू बन गया। सेम वाला प्रोसीजर है, हमने ये देखा कि 1 ओवर अंडर रूट 2 इज कॉमन, तो ले लिया कॉमन 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमन लिया, ये इससे कट आउट हो गया, क्या बचा कोस अल्फा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 1 ओवर अंडर रूट 2 से कट आउट हो गया, क्या बचा sin अल्फा व्हिच इज अवर राइट हैंड साइड। तो क्वाइट इजीली डन हो गया ना ये, तो या तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट क्लास, करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज क्वाइट सिमिलर एंड क्वाइट इजी। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं आपको वही रिवाइज करवाना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज, कि आपने याद रखना है कि टेंजेंट के फॉर्मूले में क्या था। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं अपने वे में, उससे रिवाइज होकर फायदा क्या होगा कि आपके क्वेश्चन करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो छोटा सा लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करते थे, कि जब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा होता था तो हम क्या करते थे कि प्लस वाले में पहले दोनों ऊपर प्लस के साथ टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और नीचे क्या करते थे, 1 प्लस था तो क्या आता था माइनस, और दोनों टेंजेंट अल्फा भी और टेंजेंट बीटा कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इसके साथ था, कि जब माइनस वाला आता था तब क्या किया करते थे कि पहले माइनस वाले ऊपर वैसे ही जैसे वो हैं, मतलब ऊपर लिखना इजी है, कैसे कि जो साइन के साथ है वैसे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, अगर माइनस में है तो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, नीचे साइन को उल्टा देना, मतलब माइनस की जगह प्लस यानी 1 प्लस और दोनों टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। बस ये लॉज आपने रिवाइज रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि यही यूज होने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन में जो हम करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि उसने 2 दे दी है, तो हमें परेशान नहीं होना, एक तो ये कि नॉइज आ रही है, संडे है तो सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम इसको डिस्टर्ब के तौर पे नहीं लेते, एंजॉय के तौर पे लेते हैं कि सब क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाँ तो पढ़े हैं ना, तो हम फोकस इधर करते हैं, और उसके लिए फिर भी सॉरी अगर फिर भी नॉइज आपको फील हो रही है तो। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। हमारे पास दो फंक्शन है, टेंजेंट 45 प्लस ए टेंजेंट 45 माइनस ए, एंड दी बोथ व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट व्हिच इज इक्वल टू 1, मतलब हम इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीज किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को टेक किया लेफ्ट हैंड साइड को,
पूरा टेक करने के बाद इसको देखें, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा पहला वाला, सो टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर वन माइनस दोनों टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, आई होप आपको समझ आ रही है। ओके नेक्स्ट, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर वन प्लस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, क्वाइट इजी ना, खेलते खेलते ही करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना, इसको सॉल्व करना है खेल खेल के। ओके टेंजेंट 45 हमें पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट 45 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके तो जस्ट पुट कर दीजिए, टेंजेंट 45 की जगह पे इस चीज की जगह पे आ गया 1 और इस चीज की जगह पे भी आ गया 1, बाकी वैसे ही एज इट इज है, प्लस टेंजेंट ए एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, इसकी जगह 1 और ये टेंजेंट ए एज इट इज, इधर भी वही हुआ, जहां जहां टेंजेंट 45 था वहां वहां 1 आ गया क्लास। एंड आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया हो, ये आपने पुट कर दिया, जस्ट और कुछ भी नहीं किया, टेंजेंट 45 की जगह 1 एज इट इज, नीचे भी एज इट इज, टेंजेंट 45 की जगह 1, बाकी एज इट इज। ओके एक स्टेप मैंने खाया, मैं आपको इधर समझा देता हूं मैंने क्या किया, मैंने ना ये 1 प्लस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए ये लिखा नहीं, चले मैं एक स्टेप और कर ही देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 1 प्लस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट ए, क्वाइट इजी बात है। ओके सो 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 व्हाट वी विल गेट, टेंजेंट ए। ओके अब हमने देखा कि ये कट रहे हैं कैसे, 1 प्लस टेंजेंट ए ये वाला इससे कट गया और ये 1 माइनस टेंजेंट ए इससे कट गया, तो क्या बचा, 1, व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। ओके तो मैंने डायरेक्ट यहां पे क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि टेंजेंट ए ही बन रहा है, तो 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए से कट गया, 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए से कट गया, तो क्या बचा, 1। आई होप आपको समझ आ गई हो, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि खेल वही है, बस थोड़ा सा बदल गया, अब हमें वो रेडियन में ले गया। सेकंड पार्ट में उसे दिया क्या है, टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस थीटा प्लस टेंजेंट थ्री पाई बाई फोर प्लस थीटा विच इज इक्वल टू जीरो, तो हम इजीली कर लेंगे, बीच में क्या है प्लस, तो इसको लिखते जाएंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग, जब एंड पे ये दोनों बन जाएंगे जो भी वैल्यूज बनती हैं तो इनमें एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ कि हम इस तरीके से इस फ्लो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करके देख लेते हैं। ओके क्लास तो इसको टेक किया, लेफ्ट हैंड साइड को पहले पूरा लिखा, ओके फिर इसको टेक किया, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, आई होप आपको क्लियरली समझ आ रही है। ओके नेक्स्ट, प्लस प्लस टेंजेंट अल्फा प्लस है तो प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, क्लियर है ना, या अब हमें सिर्फ दो वैल्यूज पता होनी चाहिए कि टेंजेंट पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, ये 45 है यानी 1 के, और टेंजेंट 3 पाई बाई 4 270 किसके बराबर होता है, माइनस 1, ये हमें याद रखना है, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना और हमारा काम हो गया। ओके सो टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह 1, टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह 1, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, क्या टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह 1 टेंजेंट थीटा एज इट इज, प्लस प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह टेंजेंट 3 पाई बाई 4 की जगह माइनस 1 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज, 1 माइनस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 की जगह माइनस 1 और टेंजेंट थीटा एज इट इज। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रही है, जस्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको सॉल्व करके लिखा है, कैसे 1 माइनस टेंजेंट थीटा एज इट इज, 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 का टेंजेंट थीटा, ये वाला जो प्लस है मैं इनको ब्लू में कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये बीच वाला जो प्लस है। ओके और आगे वाली ब्रैकेट को ये लिख दिया, कैसे जरा देखिए, माइनस 1 एज इट इज प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज, 1 1 माइनस माइनस प्लस, नीचे क्या हुआ, 1 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट थीटा बनता टेंजेंट थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि दोनों का बटा जो है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में वो सेम है, जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती है, कैसे जरा देखिए, 1 प्लस टेंजेंट थीटा नीचे ऐसी, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज और बीच में दोनों का क्या है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको डायरेक्ट करना आता है मैं उन्हें बता रहा हूँ, जिनको डायरेक्ट नहीं करना स्टेप वाइज करना है उनके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि स्टेप वाइज करने से ही मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं, हमने इन दोनों को लिख लिया, बीच वाला प्लस लिख लिया और नीचे वाली वैल्यूज की जगह 1 प्लस टेंजेंट थीटा लिख लिया। यहां से कंटिन्यू करते हैं, नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज, ऊपर देखिए 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस प्लस सॉरी प्लस 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 आएगा ना यहाँ पे, या ओके दोबारा से 1 माइनस टेंजेंट थीटा एज इट इज, ये माइनस का प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस 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 टेंजेंट थीटा और नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज। ओके अब हमने देखा कौन कौन कट रहा है, तो 1 माइनस 1 से कट गया, माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से कट गया, तो कुछ भी तो नहीं बचा, जब ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या आएगा, 0।
ऊपर जीरो आया और नीचे क्या आया, वन प्लस टेंजेंट थीटा। किसी भी वैल्यू के अगर ऊपर जीरो हो और नीचे कुछ भी लिखा हो, डजंट मैटर, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। एंड आई होप आई बिलीव आपको समझ आ रही है, तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर जल्दी से नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। और एक क्लास करने लगे हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। दिखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, टिपिकल सा लगता है, लेकिन है बहुत इजी। ऐसे अक्सर क्वेश्चन होते हैं जो दिखते ही ना लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएंगे, टफ लग रहे हैं, लेकिन होते बहुत आसान से हैं। तो वही हाल इसका है बेचारे का। पार्ट नंबर 3 क्या है कि इस पूरी चीज को सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि किसके इक्वल आएगी, कोस थीटा के। तो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं पूरी को। अब हमने देखा कि ये साइन वाला पोर्शन है और ये कोस वाला, और बीच में क्या है, प्लस का साइन। तो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, क्या सिंपल वे में साइन अप्लाई कर देंगे यहाँ, कोस अप्लाई कर देंगे यहाँ, लॉ ऑफ साइन, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस है तो प्लस कोस अल्फा और साइन बीटा, सिंपली प्लस आ गया। कोस का फॉर्मूला, कोस का फंक्शन तो बड़ा इजी सा है, दोनों के साथ कोस प्लस है तो माइनस, फिर दोनों के साथ साइन, जस्ट पुट द वैल्यूज, नथिंग एल्स, साइन थीटा एज इट इज, और कोस पाई बाई 6 बराबर है अंडर रूट 3/2 के, पुट कर दिया, प्लस कोस थीटा एज इट इज, और साइन पाई बाई 6 किसके इक्वल है, 1/2 के, जस्ट पुट कर दिया, प्लस cos theta as it is, cos pi by 3 किसके इक्वल है, 1/2 के, पुट कर दिया, माइनस sin theta as it is, और sin pi by 3 किसके इक्वल है, अंडर रूट 3/2 के, तो वो भी पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट ओपन द वैल्यूज, यानी अंडर रूट 3/2 sin theta, ऐसे ही लिखेंगे ना, जब वैल्यू हमारे पास हो डिजिट में भी और वेरिएबल में भी, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अंडर रूट 3/2 sin theta प्लस 1/2 पहले, cos थीटा बाद में, यानी इनको इकट्ठा करके लिखना, चाहे बाद में भी लिखा रहने दें, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन बेहतर यही है कि इसको पहले लिखा जाए, प्लस। अब मैंने एक स्टेप खाया कि ब्रैकेट्स ओपन कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस है, आगे साइन चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही आगे, अंडर रूट 3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, ये वाला प्लस यहाँ पे, थोड़ा बिग करके लिख लेते हैं ताकि क्लियर पता चले, ये वाला प्लस। अब आगे वाली ब्रैकेट की बात आ गई, ब्रैकेट ओपन कर दी, 1/2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 3/2 sin थीटा, एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अगर आप देखें तो अंडर रूट 3/2 sin थीटा माइनस अंडर रूट 3/2 sin थीटा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है क्लास, तो ये वाली चीज इस वाली पूरी चीज से कट गई, तो क्या बचा, प्लस 1/2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, एंड आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ओके, पहले ये वाला वे कर लेते हैं, फिर इससे आगे मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। सो 1/2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, हमने देखा कि cos थीटा कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। अब देखा क्या कि 1/2 प्लस 1/2 दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों की फ्रैक्शन सेम है, तो नीचे ऐसे ही आएगा और ऊपर वाले ऐड हो गए, 1/2 से कट गया, क्या बचा, 1 cos थीटा, 1 cos थीटा। अच्छा, ये तो लॉन्ग वे है, मैं अगर सिंपल वे में करूं तो इजी वे ये है कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, किसी भी चीज का हाफ। अगर आप कोई भी बॉक्स परचेज कर रहे हैं जो कि हाफ केजी का है, तो उसके ऊपर लिखा होगा इस तरीके से, 1/2 kg, इट मींस ये आधा किलो है, यानी कि हाफ है कोई भी चीज, किसी भी चीज को हाफ करना हो तो ऐसे डिनोट करते हैं। तो हाफ cos थीटा और हाफ cos थीटा दोनों मिलके बन गए 1 cos थीटा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 1 cos थीटा, क्योंकि 1 किसी भी चीज के साथ लिखते नहीं, वो मौजूद होता है। व्हाट आई मीन कि हाफ और हाफ इज इक्वल टू 1, व्हिच इज एक्चुअली अवर राइट हैंड साइड। तो ये भी एक वे है और ये भी एक वे है, जो आपको इजी लगे वो अडॉप्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हमें मिल गया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसे खेलने में, जिसे करने में थोड़ा मजा आने वाला है। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी फॉर्म ही देखें लेफ्ट हैंड साइड की, जिसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। देखिए जरा लेफ्ट हैंड साइड को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेंजेंट थीटा ओवर 2 ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेंजेंट थीटा ओवर 2, व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये टोटली डिफरेंट है बाकी सबसे, ना यहाँ पे लॉज लग रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में लेकर जाएंगे। शुरू करते हैं, साइन थीटा माइनस लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया पूरी को, लिख दिया। अच्छा, मैंने एक स्टेप खाया, आपने वही करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखनी है फिर ये स्टेप करना है। मैंने इस दफा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार मैं जगह बचाने के चक्कर में, थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में ये कर दिया। आप कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखिएगा फिर ये स्टेप करिएगा। ओके, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज और टेंजेंट थीटा ओवर 2, तो एज वी नो दैट टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा, साइन ओवर कोस, और क्योंकि एंगल थीटा ओवर 2 है तो थीटा ओवर 2। आई होप समझ आ रही है, टेंजेंट थीटा ओवर 2 की जगह साइन थीटा ओवर 2 ओवर कोस थीटा ओवर 2, बाकी एज इट इज। ऊपर की बात हो गई, नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा ओवर 2 की जगह अगेन रिप्लेस विद sin theta over 2 over cos theta over 2. I hope यहां तक क्लियर है। ओके क्लास, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं LCM लेने लगा हूं। What I mean कि LCM का मतलब यहां पे माइनस है ना, तो cos theta over 2 sin theta sin से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा sin theta से, कैसे जरा देखिए, sin theta एंड cos theta over 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैं क्या कह रहा हूं, अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो समझ लीजिए, ऐसे लिखा है d - b / c। ओके,
तो अगर मैं इसके एलसीएम लूं तो ए सी हो जाएगा ना माइनस, और बी ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा सी, नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा डी सी हो जाएगा, या डी सी माइनस और बी ऊपर ही रहेगा नीचे सी आ जाएगा, बाद में ये सी सी से कट जाएंगे। लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए साइन थीटा कोस थीटा ओवर टू, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस ये है। अगर किसी को जल्दी समझ आ रही है और वो ये सोच रहा है कि सॉरी इतनी स्लो स्लो क्यों करवा रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं इतना स्लो स्लो बता रहा हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा ओवर टू इसके साथ ये वाला माइनस, ये कोस थीटा और साइन थीटा ओवर टू ये दोनों एक साथ आएंगे, उसकी रीजन ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्लास, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये साथ ही आएगा कोस थीटा साइन थीटा ओवर टू एक साथ, और इन सब के नीचे क्या आएगा कोस थीटा ओवर टू। आई होप आपको समझ आ गई हो ये वाली थ्योरी जो मैंने यहाँ अप्लाई की है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है इसको बार बार पीछे करके देखिए और एलसीएम की प्रैक्टिस कीजिए, आई यू श्योर यू ये आ जाएगा। ओके नेक्स्ट करते हैं बात, नीचे की बात करते हैं, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे हमारा काम। देखा हमने कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर टू, ये चीज एक ही है, ठीक है। तो इसके नीचे का लिखा है कोस थीटा ओवर टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से, जैसे ऊपर साइन थीटा से हुआ था ना वैसे कोस थीटा ओवर टू किससे मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से। अब क्या होगा नीचे वाले फ्लोर पे देखिए, कोस थीटा ये वाला कोस थीटा ओवर टू जो साथ मल्टीप्लाई हुआ वो वाला, ये वाला जो प्लस है साइन, ये जो यहां लिखा है वो ये बीच में आ गया। ओके तो ये प्लस साइन थीटा और ये साइन थीटा ओवर टू एज इट इज, और सबके नीचे क्या आ गया कोस थीटा ओवर टू। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा ओवर टू माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर टू, और इन सब के नीचे क्या आ गया कोस थीटा ओवर टू, नीचे आ गया कोस थीटा और कोस थीटा ओवर टू एक साथ प्लस प्लस साइन थीटा ओवर टू, और नीचे सबके क्या आ गया कोस थीटा ओवर टू। हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन हो और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, यानी ऊपर वाले फ्लोर का भी डिनोमिनेटर और नीचे वाले फ्लोर का भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वो दोनों कट जाते हैं, तो हमने काट दिए, काटने में मजा आता है या ओके। तो ऊपर वाला फ्लोर एज इट इज और नीचे वाला फ्लोर भी एज इट इज, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज बिल्कुल वैसे ही आएगी फ्रैक्शन, नीचे वाली चीज भी वैसी की वैसी आएगी। अगर मैं देखूं तो ये मेरे लॉ की शक्ल बननी शुरू हो गई साइन वाले लॉ की। देखें कैसे, अगर साइन के फॉर्मूला की बात करें तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, तो इधर माइनस की बात कर लेते हैं, माइनस कोज अल्फा, यानी अल्फा जो होता था वो कोज के साथ और बीटा जो होता था वो साइन के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया साइन अल्फा माइनस है तो माइनस और बीटा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमने उल्ट कर दिया, पहले क्या होता था ये चीज गिवन होती थी हम इसे ओपन करके ये बना लेते थे, अब हमें ये ओपन मिली है हमने इसे क्लोज करके ये बना लिया, ऐसा हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं डिफाइन कर दूंगा अभी, अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, जरा इसे ओपन करके देखिए, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। नीचे वाले को देखा पहले दोनों कोस हैं बाद में दोनों साइन है तो कोस का बन गया, बीच में प्लस है तो क्या आएगा माइनस। ओके यहाँ पे माइनस आना चाहिए, हाँ यहाँ पे माइनस आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ओके तो माइनस लिख दिया। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, हमने समझ लिया कि ये हो सकता है तो हमने इसलिए इसकी जगह लिख दिया साइन थीटा माइनस थीटा ओवर टू, इसकी जगह लिख दिया कोस थीटा माइनस थीटा ओवर टू। पहले मैं डिफाइन कर दूं ये कैसे लिख सकते हैं फिर आगे चलते हैं, इसकी जरा बात कर लेते हैं। अगर क्लास कहीं लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसकी जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो अगर मैं कहीं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो क्या आप उसकी जगह ये लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये यही तो चीज है। अगर आप इसे दोबारा सोल्व करेंगे तो ये यही बन जाएगा किसी ना किसी वे में जाकर, फैक्टराइजेशन एक मेथोडोलॉजी होती है जो ये बना देगी आसान लफ्जों में कि अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, वैसे ही अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसे ये लिख सकते हैं, वैसे इनको ये लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगला स्टेप बहुत ईजी है, ये मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, एक स्टेप खाया एक्चुअली यहाँ वो मैं कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ जल्दी से आ सके। ओके साइन ब्रैकेट में क्या हुआ, ये चीज थी थीटा माइनस थीटा ओवर टू, नीचे था कोस थीटा माइनस थीटा ओवर टू, मैंने एक स्टेप खाया वो क्या टू थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया टू थीटा माइनस ये वाला थीटा अपनी जगह नीचे वाला टू अपनी जगह। ओके अगर मैं ऊपर वाला कर दूं तो आपका काम हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी नीचे वाला कर देता हूँ, टू थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए टू थीटा माइनस ये ऊपर वाला थीटा और नीचे क्या आ गया टू, हमने क्या देखा साइन टू में से वन थीटा गए टू थीटा माइनस थीटा तो क्या बचा थीटा ओवर टू, नीचे आ जाइए टू थीटा में से एक थीटा गया तो क्या बचा एक थीटा थीटा ओवर टू। तो इस तरीके से ये वाली हरकतें सारी करने के बाद हमने इसको ये बना लिया,
एंड आई होप आपको समझ आ गई हो. ओके एंड साइन ओवर कॉस क्या होता है? टेंजेंट थीटा ओवर टू एंगल एज इट इज, दैट इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड. हाय इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खेलने के बाद, इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आसान शक्ल में लाने के बाद हमने ये देखा कि हमारी राइट हैंड साइड बन गई है फाइनली. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स लगे या टफ लगे या मुश्किल लगे या अजीब लगे, सारों का एक ही सोल्यूशन है प्रैक्टिस. जो स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा इस क्वेश्चन की 5 to 10 times कर लेगा एक ही बारी में, आई अश्योर यू उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल चट्टान की तरह पक्का हो जाएगा. तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से लास्ट पार्ट करते हैं. Alright class, let's finish this question with all parts. Question number 4 का last part है. इसमें भी कुछ complex नहीं है, बस पीछे वाला जो question है अगर वो अच्छे से कर लिया तो ये भी easily हो पाएगा. करते क्या है, वही वाला काम, left hand side को just take किया, एक step आपने करना है, left hand side को लिखना है पूरी की पूरी left hand side को, फिर ये वाला step करना है. क्या? 1 minus tangent theta replace with sin theta over cos theta and tangent phi, इसको phi बोलना है, और tangent phi भी replace with sin phi over cos phi. 1 plus plus tangent theta also replace with sin theta over cos theta and tangent phi replace with sin phi over cos phi. Nothing else, just take a LCM. क्या करना है? हमने देखा कि ये चीज इकट्ठी है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एक ही चीज बन गई. नीचे देखा cos theta and cos phi, ये दोनों चीजें एक बन गई. ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होंगी? 1 से. तो 1 की जगह आ जाएगा cos theta and cos phi. 1 की जगह क्या आ गया? cos theta and cos phi. ये वाला माइनस ये sin theta sin phi as it is, और इन सब के नीचे आ गया cos theta and cos phi. I hope आपको समझ आ रही है. मैं रिपीट क्यों नहीं ज्यादा कर रहा, क्योंकि अब आपको आना चाहिए यार समझ. अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पिछले क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करो. ओके, ऊपर वाला फ्लोर डन, नीचे वाले फ्लोर पे आ गए. cos theta cos phi 1 से मल्टीप्लाई होके यहां पे आ गया 1, सॉरी ये वाला प्लस as it is, sin theta and sin phi as it is, और नीचे वाले वैल्यूज भी as it is. I hope यहां तक क्लियर है. वही वाला काम, ऊपर वाले फ्लोर की भी फ्रैक्शन और नीचे वाले फ्लोर की भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों कट गए. काटने में क्योंकि मजा आता है, इसलिए काट देते हैं. ओके, हमने काट दिया, जो बचा वो वैसे का वैसे लिख दिया. वही वाला काम, देखा क्या, पहले दोनों कोस, फिर दोनों साइन, बीच में माइनस और प्लस, थीटा फाई थीटा फाई. देखा कि ये कोस के फॉर्मूलाज बनते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बनता है, तो हो गया कोस अल्फा बीटा माइनस की जगह प्लस cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. तो cos alpha और beta दोनों और बीच में minus है, plus है, तो उसकी जगह क्या आ गया? Minus. I hope आपको ये clear हो गया हो. मैं क्या फिर repeat कर देता हूँ, cos दोनों पहले sin दोनों बाद में, तो cos का formula दोनों angle alpha sorry alpha और beta यानी theta और phi लिख दिए, minus है तो plus आएगा, plus है तो minus आएगा, और ये चीज हमें पता है क्योंकि यही चीज हमारी एक्चुअली राइट हैंड साइड है. तो क्वाइट इजीली डन हो गया, एंड आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ. इसकी प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा कर लीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. खुदा आप सबको कामयाब करे और इज्जत बख्शे, और आप भी कोशिश करते रहिए और सबकी मदद करते रहिए और सबका ख्याल करते रहिए. तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, कामयाब होते रहिए, मेहनत करते रहिए. खुदा आप सबको खुश रखे. मिलते हैं अगली क्लास में. अल्लाह हाफिज़ क्लास.